हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अनिवार्य अर्हता और अधिमानी अर्हता में क्या अंतर है। कनिष्ठ सहायक में कुछ छात्रों द्वारा ये पूछा गया कि हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग जरूरी है या दोनों जरूरी हैं, है ना। तो ये अनिवार्य और अधिमानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो अनिवार्य वो होता है जो कंपल्सरी है, यानी जरूरी है, इसके बिना आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो जैसे कनिष्ठ सहायक का लिखा है 162 पद के लिए, न्यूनतम आपके लिए 10+2 मांगा है यानी इंटरमीडिएट, और हिंदी में टंकण 25 शब्द प्रति मिनट है ना, तो वही स्पीड हो जाती है जो 4000 के डिप्रेशन पर आर, उसी को बोलते हैं 25 शब्द पर मिनट। तो ये अनिवार्य में है, यानी हिंदी टाइपिंग और आपका 12th एग्जामिनेशन पास, ये अनिवार्य है। आपको हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करवाओगे तो बाहर हो जाओगे, तो अनिवार्य तो ये हो गया। अधिमानी क्या होता है, इसमें अंग्रेजी टंकण का ज्ञान, ठीक है, अगर ये ऑप्शन है, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, या NCC-B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। तो इसका मतलब क्या है कि अधिमान दिया जाएगा अगर आपके किसी और स्टूडेंट के मार्क्स बराबर हो जाएं, है ना। मान लो एग्जांपल के लिए 100 सीटें हैं और 99 तक मेरिट बन चुकी है, लेकिन 100 और 101 के जो मार्क्स इक्वल हो रहे हैं, तो जब मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो एज में सीनियरिटी देखी जाती है, और इत्तेफाक से एज भी आपकी सीनियर आ जाती है, मतलब इक्वल हो जाती है। फिर वो देखेंगे कि ये अधिमान किस में दिया जाए, क्या किसी ने इंग्लिश टाइपिंग की है। अब उन दोनों में से एक ने, मान लो इंग्लिश टाइपिंग की है, एक ने नहीं की है, तो इंग्लिश टाइपिंग वाले को यहाँ पे अधिमान देके वो पद दे दिया जाएगा, ठीक है। या आपके पास NCC का 20 सर्टिफिकेट है, तो ये तभी के लिए होता है जब आपके 2 स्टूडेंट के इक्वल मार्क्स हो जाते हैं, मेरिट टाई हो जाती है, उस कंडीशन के लिए, है ना। तो अनिवार्य वाला तो आपको करना ही करना है। तो अधिकांश में आपने देखा होगा कि हिंदी टंकण ही अनिवार्य है, तो इसलिए क्लियर हो गया आपको कि हिंदी जरूरी है। इंग्लिश आप करते हैं या नहीं भी करते हैं तो तभी भी काम चल जाने वाला है।